अमिताभ की तरफ से हमें राशन आया है, धन्यवाद। हमको अमिताभ जी की तरफ से राशन मिला है, धन्यवाद। राशन हमें अमिताभ की तरफ से मिला, थैंक यू अमिताभ। अमिताभ बच्चन जी के यहाँ से राशन आया, उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन। The novel coronavirus or COVID-19 disease can be stopped. Together, we can do it. कोरोना वायरस लॉकडाउन की जरूरत के बीच बॉलीवुड हस्तियों और प्रसिद्ध हस्तियों ने अपना समर्थन देने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सूत्र बताते हैं कि मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने अब अपने कार्यालय को निर्देश दिया है कि वह इस कठिन समय में वंचितों की मदद के लिए अपनी ओर से गतिविधियां शुरू करें। एबी कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक श्री राजेश यादव बिग बी की ओर से जरूरतमंदों के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उन्होंने हाजी अली ट्रस्ट और पीर मखदूम साहब ट्रस्ट की मदद से दैनिक आधार पर पके हुए भोजन के 4,500 पैकेटों का वितरण शुरू किया। अट्ठाईस मार्च 2020 से लेकर आज तक मुंबई के विभिन्न स्थानों जैसे हाजी अली दरगाह, एंटोफिल, बाबूनाथ मंदिर, माहिम दरगाह, धारावी, साइन 90 फीट रोड, अरबी गली, कोसला गरेड़, वर्ली लोटस जैसे जगहों पर मदद की। उन्होंने 10,000 परिवारों को सूखे राशन के लगभग 10,000 राशन पैकेट वितरित किए, जो प्रत्येक परिवार के राशन की आवश्यकता को एक महीने के लिए पर्याप्त कर देगा। 17 मई अमिताभ बच्चन तरफ से धन्यवाद। अमिताभ जी की तरफ से हमें राशन मिला है, ये हमें राशन अमिताभ जी की तरफ से मिला है, उनको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मला अमिताभ बच्चन को धन्यवाद, ये अमित जी की तरफ से उनको राशन मिला है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अमिताभ जी की तरफ से हमें ये राशन मिला है, ये हमें ये अमिताभ की वजह से राशन मिला है हमारे घर के लिए, थैंक यू। अमिताभ बच्चन जी की तरफ से धन्यवाद। ये प्राप्तकर्ता केवल गरीब और जरूरतमंद लोग हैं। इनके अलावा वह और उनकी टीम अब 9 मई 2020 से रोजाना 2000 ड्राई फ्रूट पैकेट, 2000 पानी की बोतलें और लगभग 1200 चप्पल वितरित कर रहे हैं। आगे सूत्र बताते हैं कि अमिताभ बच्चन का कार्यालय भी उत्तर प्रदेश में बसों द्वारा प्रवासी मजदूरों को भेजने के विचार के साथ आया था, इसलिए वे बहुत से प्रयासों के साथ आखिरकार इस आने वाले गुरुवार को यूपी के लिए 10 से अधिक बसें भेज रहे हैं, जिन्हें हाजी अली से हरी झंडी दिखाई जाएगी।